मंदिर में पूजा करने आए दर्शनार्थियों पर पथराव, गाड़ियों में की तोड़फोड़, दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर मंदिर के पुजारी और भक्तों ने जनसुनवाई में दर्ज कराई शिकायत। शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाथरस जुझाई गाँव से दबंगई का मामला सामने आया है, जहाँ पहाड़ी पर स्थित प्राचीन सिद्ध बाबा मंदिर एवं श्री काली माता मंदिर पर सामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर पर दर्शन करने आए दर्शनार्थियों पर पथराव और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। मंदिर के पुजारी और भक्तों ने इस घटना का वीडियो बनाकर इसकी शिकायत मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर एसपी के यहां दर्ज कराई है। मंदिर के पुजारी शोभाराम भगत जी ने बताया कि 10 जनवरी गुरुवार को मंदिर पर दर्शन करने आए दर्शनार्थियों के लिए रामलखन लोधी, भागचंद्र लोधी, संजीव लोधी, कुमारपाल लोधी, रघुवीर लोधी द्वारा अभद्रता की गई है। इतना ही नहीं, सिद्ध स्थान के रास्ते में एक कुत्ते को मार दिया था एवं दर्शनार्थियों से गाली गलौज कर पत्थर फेंके गए। आरोपियों ने गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की। घटना की रिपोर्ट करैरा थाने में दर्ज कराने पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ 151 की कायमी की गई। इसके बाद भी लगातार ये लोग मंदिर पर आने वाले दर्शनार्थियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। पुजारी ने जनसुनवाई में कलेक्टर एसपी से शिकायत कराते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? शोभाराम भगत जी। कहाँ से आए हो आप? करैरा तहसील। ये क्या समस्या लेकर आए हो यहाँ कलेक्ट्रेट में? सर जी, ये समस्या लेकर आए हैं कि वहाँ मंदिर का निर्माण चलता है, गुरुवार के दिन मेला लगता है। कहाँ पे? जुझाई यात्रस में। अच्छा। हाँ, और वहाँ लोग बाग परेशान करते हैं, हमको गाली गलौज करते हैं। कौन परेशान कर रहा है आपको? जे भागचंद लोधी, संजीव लोधी, कुंवरपाल लोधी और एक जेल चला गया है, टीआई साहब ने जेल भेज दिया था उसको। ये क्यों परेशान करते हैं आपको? वहाँ मेला लगता है सर जी, इसलिए। और वहाँ उनके मंदिर से थोड़ी ज़मीन लगी हुई है, तो ये बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है पहाड़ी पे। अच्छा अच्छा वो ज़मीन पे कब्जा वगैरह करना चाहते हैं आपकी पे? नहीं नहीं, वो मंदिर की ज़मीन है, पहाड़ी है वहाँ। अच्छा, मंदिर की ज़मीन है, जंगल है। तो अभी अभी प्रेजेंट में कब आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था? गुरुवार के दिन हुआ था सर। क्या हुआ था? वो पत्थर फेंके, गाड़ी फोड़ दी थी एक, और एक बच्ची में भी लगी थी। और अच्छा, उत्पाद मचाया उन लोगों ने? उत्पाद मचाया, गाली गलौज की। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने थाने में? सर जी, थाने पे की थी, त्याई साहब ने तो उसको जेल भेज दिया था। अब जेल भेजने के बाद फिर दूसरे भैया उनके आए, बोले तेरे को जान से मार देंगे फलाना। अच्छा, उसके बाद फिर धमकी दी जा रही है? हाँ, फिर भी धमकी। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं सर जी, हम नहीं चाहते, हम तो बाबा आदमी, हमको क्या लेना देना उनसे? विवाद ना हो, विवाद ना हो। आरोपियों पर क्या कार्रवाई चाहते हो? आरोपी पे हम जी कार्रवाई चाहते हैं कि देखो, मंदिर का निर्माण लगा, मंदिर का निर्माण रोक दिया उन लोगों ने। अच्छा, मंदिर? हाँ, और पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है, ऐसा नहीं कि आज का अभी हमने बनाया उसको। गुरुवार के दिन आके वहाँ विवाद ना करें, गुरुवार के दिन वहाँ आके विवाद ना करें, वहाँ कोई गाली गलौज ना करे। जो उनके द्वारा गुरु जी पर लांछन लगा रहे हैं, वो फालतू के लांछन ना लगाए। उनके द्वारा अपने खुद के द्वारा जो अपने को क्षति पहुंचा के, खुद नुकसान को पहुंचा के, वो गुरुजी पर आरोप लगा रहे हैं कि गुरुजी ने ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने हाथ से खुद ही अपने हाथ से अपने आप को क्षति पहुंचा लेते हैं, नुकसान पहुंचा लेते हैं, और वो बड़ा केस बनाने की, मतलब गुरुजी पर आरोप लगाने की वो कर रहे हैं लालचन। ऐसा ना करें, अच्छा ही काम करते हैं, बुरा कुछ नहीं करते। हमें ऐसा और कुछ नहीं करना। चार लोग आते हैं, वो कुछ उनको मंदिर की तरफ से मदद मिलती है, तो वो मंदिर में खुद लगा जाते हैं।